नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको उन लड़कियों से मिलवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में आती हैं। आज हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़की और डेरा सच्चा सौदा के ही हॉस्टल में रहने वाली, वहां के स्कूल कॉलेज में रहने वाली लड़की तानिया जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का नेचर कैसा है। तानिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। तानिया जी, आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में। जी, मैं फिफ्थ क्लास से यहाँ पे आई हुई हूँ और मैंने नाम भी सिक्स क्लास में ले लिया था और मैं यहाँ पे एट्थ और नाइन्थ मैंने यहीं से किया, इसी स्कूल से। हॉस्टल में भी रहते? हाँ, हॉस्टल में भी यहीं रहती थी। कैसा इन्वायरमेंट लगता तानिया जी आपको? बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था। वहाँ पे रह के हम सबको बहुत अच्छा अच्छा कुछ सीखने को मिलता था। पिताजी भी आते थे, हमें दर्शन देते थे और हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के जाते थे। एक लड़की होने के नाते, मतलब बीइंग गर्ल, कैसा महसूस करते हो सेफ्टी को लेकर? वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग सिक्योर फील करते थे। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर से कुछ आ रहे हैं। वहाँ पे तो कोई जेंट्स अलाउड ही नहीं थे। इनफैक्ट हमारी वार्डन फीमेल थी, कोई वहाँ पे जेंट्स थे ही नहीं। गुरुजी आते थे, वो ट्रीट कैसे करते थे आप लोगों के साथ? बहुत, मतलब बेटा बेटा कह के हमें बुलाते थे और मतलब हमें पास बिठा के हमसे पूछते थे कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, खाना पीना अच्छा है, सब कैसे चल रहे हो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा हमें लगता था। पिताजी आके हमसे बात करते थे और मतलब अच्छा था सब कुछ। कभी भी ऐसा महसूस किया जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, एक कभी सुरंग के बारे में बोला जा रहा था, बहुत ही अलग अलग बातें दिखाई जा रही? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। हमें पता ही नहीं सुरंग है कहाँ, हमने तो देखी नहीं, हम तो वहीं रहते हैं। हमने तो नहीं देखी कोई सुरंग। कभी किसी और बच्चे से सुना हो जा, कभी भी हो? कभी ऐसा कुछ नहीं था, हमने ना देखा ना सुना, कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर जो भी खबरें थी, क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई झूठ तो मत ही फैलाओ, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो। जो हमने देखा है हमसे पूछो, हम वहाँ पे रह के आए हैं, हमने कुछ नहीं देखा ऐसा वहाँ पे। और मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। और ये मीडिया वाले जितना झूठ फैला रहे हैं, एक ना एक दिन इनको भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं सच। जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए गए हैं, उनके बारे में क्या लगता है? झूठ है सब कुछ, एक भी बात सच नहीं है उनमें से। सुरंग की बात तो है ही नहीं कुछ सच। और हमें तो बेटा बेटा कह के बुलाते थे, कभी हमसे कुछ ऐसा हुआ नहीं, कभी हमसे कुछ ऐसी बात नहीं हुई। और हमें मतलब बहुत अच्छे बच्चों की, अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते थे हमें, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी को क्या बताओगे, क्योंकि समाज के लोगों में, हमारे देश की, समाज की जो लड़कियां हैं उनके माइंड में एक अलग छवि है ये मीडिया को देखकर। अफेक्ट हो, डेरा में भी जाते हो, हॉस्टल में भी रहे हो, क्या बताना चाहोगे? ऐसा मतलब अब हाँ, ये बात है, आ जाती है लोगों में, क्योंकि भाई लोगों से सुना है। झूठ बोलते हैं लोग तो भी हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है मन में कि हाँ हमने ऐसा सुना है, तो फिर क्या पता कुछ ऐसा हो। लेकिन जो सच्चाई है, मैं जो लोग वहाँ पर रह के आए हैं उनसे पूछो कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बात फैलाई जा रही है मीडिया वालों से, सब झूठ है। हम वहाँ रह के आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा ये था कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से करूं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे पेरेंट्स के मन में भी कभी आता है, तो फिर मैं वहाँ से आ गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि जाना चाहिए लोगों को वहाँ पे। क्या ज़रूरत है संत जी की समाज को? बिल्कुल ज़रूरत है, इतने भलाई के काम करवाए उन्होंने तो ज़रूरत क्यों नहीं होगी। इतना नशा छुड़वाया है, सफाई अभियान करवाई है, तो क्यों ज़रूरत नहीं हो सकती किसी ने। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत? यही कहूँगी कि जो भलाई के काम किए हैं उनको तो देखो एक बार, ये झूठे आरोपों से तो कुछ होने से रहा। जितने भलाई के काम करें उनको देख के चलो, तो फिर भला ही है समाज में, अच्छे काम करे हैं कितने, तो फिर उनकी वजह से तो देख के एक बार करना चाहिए कि उनको छोड़ना चाहिए, ऐसा सब झूठ आरोप लगाया हुआ है उन पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये उस लड़की का कहना है जो डेरा सच्चा सौदा में बचपन से आती है और हॉस्टल में भी रहती है। बिल्कुल झूठा बदनाम किया गया, आखिर क्यों? ये हमारे समाज की बेटियां समाज से सवाल कर रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।